The temperature in Rajasthan is continuously rising as the mercury is hitting, every record with every new passing day. And today, Bikaner, Kota, and other divisions have warnings of heat wave to severe heat waves. And Falaudi has already witnessed temperature as high as 50 degrees Celsius. And I have hotel staff with me, and I have someone who works in the kitchen, which gets more heated up compared to the the mercury that is outside, already raising temperature. And I have also the hotel staff who would speak about how the guests are reacting in the capital city of Jaipur. Welcome Times Now. अभी जो गर्मी है जिस तरह की लोगों का जो इनफ्लो है कैसे देखते हैं, ऑक्यूपेंसी क्या जा रही है? ऑक्यूपेंसी बहुत डाउन जा रही है इस टाइम पे, और गर्मी से मतलब हाल बेहाल चल रहा है इस टाइम पे, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, मतलब ऑक्यूपेंसी भी बहुत डाउन हो चुकी है अपनी। आपके लगभग जो रूम लगते हैं, क्योंकि कई बार एसी की समस्या जो है गर्मी में काफ़ी आती है, और कई होटलों से कंप्लेन भी आती है क्योंकि आपका होटल जयपुर का जो मेन सिंधी कैंप है उसके पास में है, कैसे देखते हैं इसको, समस्या कैसे मैनेज करते हैं? तो सर मैनेज करना पड़ता है, एक तो रूम को चेंज भी कर देते हैं, लेकिन बाकी मतलब दिक्कतें आ रही हैं, अभी एसी में भी काम नहीं कर रही है, ऐसी गर्मियों में मतलब दिक्कतें बरकरार चल रही है अभी। और आप खुद यहाँ पे काम करते हैं, कितने घंटे की ड्यूटी रहती है आपकी? हमारी 10 घंटे की ड्यूटी रहती है, तो हमारा भी मतलब कभी कभी ऐसे हो जाता है, ऊपर नीचे पारा पहुंच जाता है, पर अपन तो मैनेज कर लेते हैं, बाकी गेस्टों को दिक्कत आती है सर। ब्लू रखने की जो बात आ रही है, आपको स्टाफ में किसी को कोई प्रॉब्लम अभी हुई, क्योंकि किचन में भी कई लोग काम करते हैं, किचन के बाद आपसे भी करेंगे, स्टाफ में कोई समस्या आई है अभी तक? हाँ, एक बंदे को समस्या आई थी, उसको वो दिन में काम कर रहा था, तो काम करते करते उसको चक्कर आ गई थी, तो उसको थोड़ा फिर रिलैक्स कराने के लिए मतलब हॉस्पिटल भी लेके जाया गया, तो अभी उसको रिलैक्स के लिए छुट्टी पे रखा गया। I also have another staff of this particular hotel with me who is working in the kitchen, and mind you, the temperature of kitchen stays far more than what is outside, and these people are braving the heat, and we'll ask them as to how it is happening there and how does it feel to work in the hottest kitchen here. Sir, welcome. Kitchen mein aapki kya kitne ghante ki duty rehti hai aapki? Minimum 8-10 ghanta. 8-10 घंटे की वहाँ पे आपके चिमनियाँ होंगी, और काफी से जो पारा है वो अंदर ज्यादा रहता है, जाता है सर। तो कैसे मैनेज किया जाता है, आप कैसे मैनेज करते हैं? सर हमें करना पड़ेगा, गर्मी तो है लेकिन फैसिलिटी पूरी है किचन में, फिर भी गर्मी बहुत होती है। मतलब कूलर में तो बार बार पानी डालना पड़ता है, और चिमनियाँ भी बार बार मतलब वो हो जाती है फिर खराब। कूलर्स का भी जिस तरह से अभी राजस्थान में जो एक इस्तेमाल दिख रहा है, वैसा दिख रहा है कि कूलर्स भी ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पा रहे, ख़राब हो जाते हैं, रिप्लेस करने पड़ते हैं, आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी? बिल्कुल सर, हमने नया कूलर लगवाया किचन में अभी, मतलब गर्मी आने से पहले, वो 2-3 बार उसको मेंटेनेंस हो गया वो कूलर, मतलब वो मतलब हीट करता है, मतलब बार बार पानी डालना पड़ता है, बहुत दिक्कतें होती है किचन में। लगभग कितना स्टाफ है आपके किचन में? 7-8 स्टाफ है सर। और अभी किस तरह की उनकी हेल्थ कंडीशन है, कुछ अभी किसी को कोई दिक्कत आ रही है? हाँ, 1-2 लड़कों को आई है दिक्कत, एक लड़का तो मतलब उसको चक्कर से आ गया था, उसको फिर हमने उसको हॉस्पिटल ले गए थे, दिखाया उसको, रिलैक्स करके उसको 2-4 दिन की छुट्टी दे रखी है। होटल इंडस्ट्री को फर्क पड़ रहा है इस गर्मी से? बहुत फर्क पड़ रहा है सर, हमारे जैसे गेस्टों को भी बहुत दिक्कत हो रही है, कोई तो मतलब बाहर ही नहीं निकल रहा होटल से, कोई मतलब बहुत दिक्कतें हो रही है, हमें खुद ही दिक्कत हो रही है काम करने में, गेस्टों को तो होगी फिर। So these are the people working in a hotel here, and we recently spoke to people from the streets, and right now these people are here serving the guests that are coming from outside in the capital city of Jaipur, and they are saying that the guests are facing problems. They are the ACs are not functioning, the coolers are not functioning, and they are braving the heat, and the staff among them have been admitted and been treated by the doctors just because of this scorching heat. With cameraman Dinesh, it's Gajraj for Times Now. सर आप होटल के जीएम हैं, गेस्ट का इन्फ्लो किस तरह से देख रहे हैं अभी, क्योंकि जिस तरह से गर्मी लगातार पारा बढ़ता जा रहा है, 50 डिग्री फलौदी में भी हो गया है, किस तरह से गेस्ट का इन्फ्लो देख रहे हैं? सर गर्मी का इफेक्ट तो खैर सब जगह ही पड़ा है, और राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट आप जानते हैं है ही। 50 डिग्री जाने के बाद में थोड़ा गेस्ट का, जिसमें कि अपने फॉरनर्स हैं उनका मूवमेंट तो लगभग नहीं सा आ गया है। हाँ, इंडियन में है, इंडियन मूवमेंट थोड़ा सा चल रहा है, जिसमें कि गुजरात से हैं और दिल्ली से हैं, ये थोड़ा सा पब्लिक अभी आ रहे हैं अपने पास। ऑक्यूपेंसी लगभग क्या जा रही है अभी होटल्स में? सर हमारे होटल की एवरेज ऑक्यूपेंसी तो करीब 60-70 के आसपास है, क्योंकि हमारा होटल अपना फ्रेंडली है, इस कारण से ऑक्यूपेंसी कुल मिलाकर ठीक है। अभी मैं आपके स्टाफ से बात कर रहा था, उनका ये कहना था, और ये कई होटलों में ये देखा गया है कि जो हमारे एयर कंडीशनर्स हैं वो इतनी गर्मी सहन करने के लिए शायद बने नहीं है, तो फेल हो जाते हैं कई बार, कैसे मैनेज करते हैं इसको?
सर एसी की प्रॉब्लम तो क्या 50 डिग्री टेम्परेचर पे चाहे होटल हैं चाहे घर हैं सब जगह ही ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी नहीं है। और फिर अब इस चीज़ को क्या आजकल सब व्यक्ति इसी में अवेयर हैं इस चीज़ के, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है क्या चीज़ है क्या है, तो कुछ खुद भी फेमिलियर रहते हैं इस मामले में, उनको जब चेक इन होते हैं तो उनको पता है कि 50 डिग्री पे कहीं ना कहीं कोई चीज़ अगर आती है तो वो उसमें थोड़ा सा सर्वाइव करते हैं। हाँ, बाकी हमारी तरफ से कोशिश रहती है कि गेस्ट की कोई प्रॉब्लम आती है उसको तुरंत इमीजिएट बेस पर रेक्टिफाई करें, अदरवाइज अगर नहीं है तो फिर रूम चेंज कर देते हैं उनका। इस तरह से स्टाफ का किस तरह से ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि स्टाफ से हमने बात करी, उनका कहना है कि कईयों की तबीयत हमारी खराब हुई है, चेकअप कराने पड़ रहे हैं, तो उसको किस तरह से देख रहे हैं? सर स्टाफ के साथ हमने क्या कर रखा है, थोड़ा सा इनका जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर है उस पर हल्का सा फोकस किया हमने। जैसे अभी 4 बजे करीब की चाय थी उसको चेंज करके हमने थोड़ा सा जैसे केरे का पानी है इस तरह का दे देते हैं। मॉर्निंग के अंदर ब्रेकफास्ट है उसके अंदर थोड़ा चेंज करके उसके अंदर एक का आइटम्स डाल के एक बार बच्चों को उस तरह से देते हैं। और लंच और डिनर में तो हम फूड देने में कोई दिक्कत नहीं, कभी दाल है रोटी है सब्जी इस तरह से वैरायटी देते हैं तो मैनेज कर लेते हैं बच्चे। और बाकी किसी को अगर प्रॉब्लम होती है बाई दिवे तो फिर हम टेक केयर करते हैं, उसको तुरंत उपचार देते हैं जिससे कि उसकी प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़े। आपका नाम और एक रेजिग्नेशन बता दीजिए। ये नीरज शर्मा, जनरल मैनेजर। So this was GM of a particular hotel in the capital city of Jaipur, and he has been saying that they have been managing this crisis, and also Udaipur and Jodhpur divisions of Rajasthan have witnessed showers. So it is likely that a relief might be possible in the capital city of Jaipur also, and the other districts of Rajasthan. With cameraman Dinesh, it's Gajraj for Times Now.